तो ये मेरा मेन कैमरा है नाइकॉन D750, इससे मैं अपने मेजर शूट्स करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले ये मेरे हाथ से गिरा और अब इसके मिरर में एक प्रॉब्लम है, वो मिरर नीचे जाता है और बाद दफ़ा ऊपर नहीं आता, प्लस इसका व्यू फाइंडर बहुत डार्क हो गया है और इसके ऑटो फोकस में भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आने लगा है। तो मुझे अभी एक शॉप का पता चला है कोमरा के नाम से, जो कि तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव पे है, तो देखते हैं जाकर और उनसे पूछते हैं कि वो इस कैमरे को रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। नाइकॉन D750 एक बहुत ही अच्छा कैमरा है। मैं पिछले 1.5-2 साल से इससे शूट्स कर रहा हूँ और इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ऑल्दो कि जब से ये ख़राब हुआ है मैंने नाइकॉन का D610 ख़रीदा है, लेकिन अगर मैं इनकी इमेज क्वालिटी को कंपेयर करता हूँ तो 750 की जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू 610। मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिला था, यूज़ कंडीशन में मिला था, लेकिन कंडीशन ओवरऑल अच्छी थी। लेकिन चूंकि इमेज क्वालिटी का काफ़ी फ़र्क है तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह से ये रिपेयर हो जाए। ओमान में आमतौर पे रिपेयर का काम थोड़ा कम होता है, यूजली अगर चीज़ ख़राब होती है तो आपको फेंक के नई चीज़ खरीदते हैं, लेकिन मुझे ये कैमरा हर सूरत में रिपेयर करवाना है क्योंकि इसकी इमेज क्वालिटी 610 से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी राइट नाउ मैंने गूगल पे चेक किया है तो वो जो शॉप है वो नॉर्मली 35 मिनट्स की ड्राइव पे है यहाँ पे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो मुझे 1 घंटे से ऊपर दिखा रहा है, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं। बाय द वे मैंने नाइकॉन D750 पे एक डिटेल रिव्यू की वीडियो बनाई है, अगर आप इस कैमरे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो है हम लोग निकल रहे हैं थोड़े गैप के बाद और देखते हैं कब पहुंचते हैं। ओके, तो कैमरा जो है वो अब मैंने दे दिया है और इन्होंने मुझे टाइम दिया है कल का, कि कल ये मुझे बताएंगे कैमरा रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। प्राइस इन्होंने ठीक बताई है, रीज़नेबल है, बस देखते हैं कि कैमरा मेरा रिपेयर हो पाता है कि नहीं। तो अभी मुझे मैसेज आ गया है कि मेरा कैमरा फिक्स हो गया है, तो अभी चलते हैं उनसे कैमरा पिक करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि वाकई उसका मिरर का और सेंसर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो हम अभी बस बाहर आए हैं इस कैमरा को टेस्ट करने के लिए, जो कि अभी रिपेयर होकर आया है। मैं बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी तो नहीं कर सकूँगा क्योंकि यहाँ पे इतने सब्जेक्ट्स हैं नहीं, मैं बस मगरब का टाइम है, मैं निकला हूँ और देखता हूँ उससे क्या फोटोग्राफ्स आती हैं। ओवरऑल कैमरे का रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है, उसका ऑटो फोकसिंग का मसला भी सॉल्व हो चुका है, उसका मिरर का मसला भी सॉल्व हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।